ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। तो कुंडली में ग्रहों का योग कैसे आपको पैसा, तरक्की, शोहरत, सुख, शांति और अच्छी सेहत दे सकता है, आज यही कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो अपनी चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं चंद्रमा राहु की, गुरु बुध की, बुध राहु की और बुध शनि की। ग्रहों का ऐसा योग जिस किसी की भी कुंडली में हो पंडित जी, उन्हें खास तौर पर किस देवी देवता की पूजा उपासना करनी चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए और क्या खास उपाय करने चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि कुंडली में अगर बुध और शनि की रोग भाव में स्थिति हो जाए या एकादश भाव में स्थिति हो जाए तो ऐसा जातक चर्म रोग से पीड़ित होता है, नसों का रोग होता है, सर्वाइकल भी ऐसे ही जातक को होता है। लेकिन अगर किसी का लग्न वृषभ है, कन्या है, या फिर कन्या लग्न है, या तुला लग्न है, या मकर लग्न है, या कुंभ लग्न है, तो बुध शनि राजयोग कारक भी बन जाते हैं, ये राज देने वाले भी बन जाते हैं और इनकी दशा महादशा उपदशा में बहुत सुख भी मिलता है, केवल नुकसान ही नहीं होता है। लेकिन अगर ये छठे भाव में या एकादश भाव में हो जाएं और इन पर और किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो जाए तो निश्चित रूप से ये चर्म रोग देते हैं, और अगर चंद्रमा की युति हो जाए तो ये सफ़ेद कुष्ठ देते हैं, अगर इस पर राहु केतु की दृष्टि हो जाए तो ये एलर्जी की ऐसी समस्या पैदा करते हैं कि पूरे शरीर से खून, मवाद और बदबू आने की स्थिति बन जाती है और मुंह से दुर्गंध आने लगती है, ऐसे आदमी के दांतों में पायरिया भी होती है। तो भाई देखिए, अगर कुंडली में बुध शनि कहीं भी एक साथ हों तो मैं तो ऐसे लोगों से इतना ही निवेदन करूंगा कि आप अपने खान पान में किसी प्रकार का मांसाहार और किसी प्रकार की नशीली वस्तु का सेवन बिल्कुल ना करें। दूसरी बात, बुध और राहु की अगर युति हो जाती है तो कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। बुध और राहु के अंतर में मैंने लोगों को राजा बनते हुए भी देखा है, ये कोई बहुत बुरा योग नहीं है। लेकिन फिर भी हर रोज भगवान गणेश के 108 नामों का जप करना चाहिए, गले में रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए और अगर हो सके तो गणेश रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बुध और बृहस्पति की जब युति होती है तो जानते हैं प्रगल्भ योग बनता है, ऐसा व्यक्ति जब बोलने लगता है तो उस समय अगर सुई भी गिर जाए तो उसकी भी आवाज़ सुनाई देती है, इतना सन्न होकर के लोग उसकी बातों को सुनते हैं और इतनी प्रभावशाली उसकी बाणी होती है। लेकिन अगर ये गुरु और बुध दोनों अस्त हो जाएं, सूर्य भी सानिध्य में हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का ज्ञान होते हुए भी ऐसा व्यक्ति ज़्यादा बोल नहीं पाता है, अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाता है। लेकिन यदि बुध बृहस्पति अस्त नहीं है और इनका मेलापक हो रहा है तो आप ये मानिए कि ऐसा व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होकर के भी समाज के ऊपर अपना वर्चस्व बनाने में कामयाब रहता है। अगर बुध और बृहस्पति की युति आपकी भी कुंडली में है तो आपको धार्मिक पुस्तकों का दान किसी योग्य व्यक्ति को करना चाहिए, मंदिर में दो रंग वाले कंबल भी दान करना चाहिए, चिड़ियों को दाना डालना चाहिए और पंचमुखी हनुमान का चित्र अपने घर में लगा करके उनकी पूजा उपासना करना चाहिए। इसी क्रम में चंद्रमा और राहु की युति होने पर, चंद्रमा और राहु की युति होती है तो इससे ये होता है घर में कोई लड़का ये सोचता है कि भाई को ज़्यादा माता पिता मानते हैं, हमको कम मानते हैं, उनको ज़्यादा मानते हैं, हमको कम मानते हैं, मन में एक भाव तो ये आ जाता है। और दूसरी बात, कोई चीज़ में डिसीजन लेना हो तो हर समय दो राहे पर, ये फायदा करेगा नुकसान करेगा, ये कर लूँ ना करूँ, ये ग्रहण दोष है, ये मन में संशय उत्पन्न करता है और इसमें किसी सपोर्टर की ज़रूरत पड़ती है ऐसे जीवन में कि जो बताए कि हाँ तुम सही कर रहे हो, कर लो, बिना किसी सपोर्ट के ऐसा आदमी आगे नहीं बढ़ता है। तो ऐसा अगर योग है तो सोमवार को शिवलिंग का गंगा जल से नित्य अभिषेक करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को तो पूरा रुद्र सूक्त याद कर लेना चाहिए और रोज रुद्र सूक्त के मंत्रों को बोलते हुए भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। सोमवार को भगवान शिव को खीर का भोग भी लगाना चाहिए। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए पूर्णिमा का व्रत भी जरूर रखना चाहिए।
इससे चंद्रमा मजबूत होता है और चंद्रमा को अर्घ भी देना चाहिए। जल, दूध, सफ़ेद फूल और थोड़ा सा चावल डाल करके, हल्दी डाल करके आप चंद्रमा को रात में, चांदनी रात में अगर व्रत करके अर्घ देते हैं तो निश्चित रूप से इससे आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होती है। जय माँ विंध्यवासिनी। बात करेंगे हम सिंह राशि वालों की, कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन और आज इनकी किस्मत कितनी मजबूत रहने वाली है, जान लेते हैं। सिंह राशि में सूर्य बुध की स्थिति है, धन भाव में चंद्रमा के साथ मंगल है। यही कह सकते हैं कि आज अपने किसी बड़े बुजुर्ग से धन लाभ हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है और नौकरी में स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। आज माँ के साथ मतभेद समाप्त हो सकता है। आज सेहत का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। आज धैर्य से काम लें, किसी भूखे व्यक्ति की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय माँ विंध्यवासिनी। अगर आपकी कुंडली में भी चंद्रमा केतु एक साथ बैठे हैं या मंगल बुध की अशुभ स्थिति आपकी कुंडली में है तो आपको ऐसे कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, बता रहे हैं पंडित जी। जी पंडित जी, देखिए चंद्रमा जो है मन का कारक है और जब केतु इसके साथ होता है तो ये बड़ा प्रभावी ग्रहण दोष हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अनचाहे में भी केवल नकारात्मक बातें सोचता है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर तेज नहीं दिखाई देता है, आभा मंडल दबा रहता है, अंदर से डर की स्थिति बनी रहती है, अपने बात पर अडिग नहीं हो पाता है। ऐसे आदमी को जिंदगी में सक्सेस होने में बहुत समय लगता है और खास करके अगर चंद्रमा केतु के साथ लग्न में हो जाए, सूर्य राहु के साथ सप्तम भाव में हो जाए, तब तो वैवाहिक जीवन एकदम नरक हो जाता है। तो भाई ये मामला बड़ा है। जो मैं उपाय आपको बता रहा हूँ ये जरूरी नहीं है कि 100% ये उपाय काम ही कर देगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि 2 मुखी रुद्राक्ष आप गले में धारण कर लीजिए, लेकिन ये 5-10% फायदा करेगा। इसके लिए पूर्ण फायदा तब होगा जब आप ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का बाई आँख के ऊपर चलते हुए चंद्रमा का ध्यान करके 24 मिनट जप करेंगे और 50 दिन, तब आपको इस मन स्थिति से छुटकारा मिलेगा। जैसा रोग वैसा उपचार, सर दर्द हो रहा है तो एक गोली खा लीजिए ठीक हो जाएंगे, लेकिन कैंसर हुआ है तो उसके लिए तो कीमो चढ़ेगा। तो अगर ये चंद्र केतु की स्थिति है तो केवल 2 मुखी रुद्राक्ष आपको निजात नहीं दे पाएगा, इसके लिए आपको चंद्रमा के मंत्रों का जप करना पड़ेगा और शिवलिंग पर आपको जब भी संभव हो कच्चा दूध रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए अर्पित करना चाहिए। और केतु के लिए कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए, पंछियों को 7 तरह का अनाज डालना चाहिए, सफ़ेद झंडा किसी मंदिर पर लगाना चाहिए। ये सब उपाय केतु के लिए किया जाता है। मंगल और बुध ये दोनों आपस में मित्र नहीं हैं, इस बात को अच्छी तरह से जान लीजिए। इनकी अशुभ युति होने पर मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में सिंदूर लेकर, हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर अपने माथे पर तिलक करना चाहिए। घर में लाल फूल वाले पौधे लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए। बंदरों को मंगलवार को गुड़ और चना खिलाना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो कन्या राशि की अब हम बात करेंगे, कैसी रहेगी आज के लिए इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज कैसा रहने वाला है, रिश्ते नाते कैसे रहेंगे, सेहत कैसी रहेगी, साथ ही साथ आज का उपाय क्या है, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है, आइए जान लेते हैं। देखिए कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि चंद्र मंगल की युति आपके राशि में है, आपके द्वितीय धन भाव में केतु है, आपके व्यय भाव में सूर्य के साथ बुध है। बस माता पिता के द्वारा आज आपको आर्थिक सहयोग मिल सकता है जिसकी आपको उम्मीद होगी। नौकरी में प्रमोशन का योग बना हुआ है, आप पेशेंस रखें, उसके लिए आतुर न हों।
वैवाहिक रिश्तों में मनमुटाव रहेगा। खान पान पर ध्यान दीजिए वरना सेहत बिगड़ सकती है। नेगेटिविटी से दूर रहिए, संयम बरतिए। आज किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करिए। शुभ अंक आपके लिए दो है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में अगर शनि राहु एक साथ हो या फिर मंगल शनि एक साथ हो तो फौरन ऐसे लोगों को कौन सी बुरी आदत है जो पंडित जी छोड़ देनी चाहिए और क्या अलग उपाय करने चाहिए, असरदार उपाय करने चाहिए, बताएं। शनि राहु की युति कभी अच्छी नहीं होती है। शनि राहु की युति हो और शनि राहु की दृष्टि जिन जिन भावों पर पड़ रही हो वो सारे भाव बर्बाद हो जाएंगे। अगर मंगल शनि की युति है और खास करके द्वादश भाव में है, लग्न में है, सप्तम में है, अष्टम में है, छठे भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति का चाहे 5 शादियां हो जाएं, लेकिन शादियां सक्सेस नहीं होती है। विवाह में कुछ न कुछ समस्या जरूर आती है। इसकी बहुत विधिवत शांति करानी चाहिए। इसके लिए 4 बार मंगल के वैदिक मंत्रों का जप करवाना चाहिए और 4 बार शनि की शांति करवानी चाहिए और नित्य सुंदरकांड का शनिवार शनिवार को पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अशुभ योग है। मंगल शनि की युति और खास करके लग्न या द्वादश भाव में, अष्टम या सप्तम भाव में, ये दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अशुभ कारक है। हो सकता है ऐसा आदमी लखपति करोड़पति हो सकता है ऐसे आदमी के पास धन वैभव की कोई कमी ना हो, ऐसा भी देखा गया है, लेकिन वैवाहिक जीवन छिन्न भिन्न कर देता है मंगल और शनि। ऐसे में शहद का सेवन करना चाहिए आदमी को और कभी किसी दुर्बल निर्बल व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए और हर समय लालच से बचना चाहिए। बुरे कार्यों में धन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार का एडिक्शन, किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। क्रोध और गलत संगत दोनों से बचना चाहिए। शनि राहु की युति होने पर गाय, बछड़ा सहित गाय किसी वेदपाठी को दान करना चाहिए। कान में सोने के आभूषण धारण करना चाहिए। नेत्रहीन लोगों को भोजन कराना चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। मांसाहार और नशीली पदार्थों से सदा दूरी बना करके ही रखनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हम तुला राशि वालों की, तो कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। चलिए, तुला राशि में केतु की स्थिति बनी हुई है और इस स्थिति को देखते हुए मंगल चंद्र की स्थिति आपके वैभव में बनी हुई है। आमदनी तो बढ़ेगी भैया, लेकिन अपने खर्चों पर भी आप काबू रखिएगा। खर्चों पर काबू नहीं रखेंगे तो आमदनी बेकार हो जाएगी। और एक बात जो मुझे दिखाई दे रहा है, आज का संयोग ऐसा है कि अगर जरा सा भी लापरवाही हुई तो व्यवसाय में नुकसान हो सकता है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। तनाव बढ़ने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। गुस्सा आपको नहीं करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। आज गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शुक्र शनि एक साथ हो, राहु गुरु एक साथ हो या गुरु शनि एक साथ हो तो ऐसे में आपको कौन से खास नियम और सावधानियों का जरूर पालन करना चाहिए और अगर इस योग के अशुभ प्रभाव हैं, परिणाम है, तो कौन से उपाय इन्हें करने चाहिए पंडित जी? देखिए, अगर कोई मेष लग्न का जातक है और उसकी कुंडली में बृहस्पति शनि एक साथ हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये तो उसके लिए अच्छा है। 9 मेष 10 मेष की युति हो गई, लेकिन इसको धर्म कर्माधिपति योग नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि शनि एकादश का भी स्वामी है। लाभारहित्रय धिपा पापा रंध्रेशो न शुभप्रद। एकादश भाव का स्वामी पापग्रह शुभकारी होता है लेकिन वो कारक नहीं होता है। तो गुरु शनि की युति अगर कुंडली में है तो मांसाहार और मादक पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ऐसे आदमी को मन लगा करके भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। भगवान शिव को अपने त्रिकुटी पर ध्यान करना चाहिए।
बृहस्पति को मजबूत करने के लिए तीन मुखी और पांच मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। अगर हो सके तो रुद्राक्ष को सोने में पिरो करके उसे धारण किया जाए तो बहुत अच्छा परिणाम आता है। हर रोज अपने घर में शाम के समय सरसों के तेल का एक दिया जलाना चाहिए। इसी तरह से राहु गुरु की युति को गुरु चांडाल योग कहते हैं। राहु और बृहस्पति की जब युति होती है तो ऐसा आदमी नास्तिक होता है, ऐसा आदमी बहुत धार्मिक नहीं होता है। लेकिन अगर दोनों की डिग्री नज़दीक हो तो, अगर दोनों के डिग्री में 12 डिग्री से ज़्यादा अंतर है तो ऐसा आदमी आस्तिक भी हो सकता है। लेकिन ये गुरु चांडाल योग तो है आखिर में, या बृहस्पति में राहु की अंतर्दशा हो या राहु में गुरु की अंतर्दशा हो, तब भी 2 ग्राम का सोने का लॉकेट बनवा करके और उसकी तांबे पीतल की थाली में पान के पत्ते पर रख करके उसको शिव भगवान मान करके विधिवत पूजा करने से और थाली सहित शिव प्रतिमा दान करने से इस मतलब कि कुयोग से छुटकारा मिलता है। तो अगर ये किसी तरह का अशुभ परिणाम से आप बचना चाहते हैं तो गाय को चारा खिलाते रहिए, हनुमान जी की उपासना करते रहिए, भगवान शिव का अभिषेक करिए, हल्दी और चंदन का तिलक लगाइए, घर में नियमित पूजा पाठ और हवन करिए। शुक्र शनि की युति है, शुक्र शनि की युति देखिए वृषभ लग्न वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए, मकर कुंभ लग्न वालों के लिए शुक्र शनि की युति राजयोग कारक भी होती है। लेकिन अगर किसी का शुक्र शनि छठे भाव में हो या शुक्र शनि परस्पर एक दूसरे को देखते हों, शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही हो और शुक्र रोग भाव के स्वामी के साथ युत हो तो ऐसे समय में कर्क रोग कैंसर से संबंधित बीमारी होने की भी संभावना रहती है। इस दशा के पहले आदमी को महामृत्युंजय जरूर कराना चाहिए और शुक्र शनि की युति होने पर साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए, परफ्यूम लगाना चाहिए, भूखे लोगों को शनिवार को उड़द के दाल की खिचड़ी बनाकर खिलानी चाहिए, उसके साथ काले गुलाब जामुन भी खिलाने चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का राशिफल कैसा रहेगा आज उनका पूरा दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय चंद्रदेव के साथ कन्या राशि में विराजमान है जो एकादश भाव में है। आज आपकी शॉपिंग पर खुलकर पैसा खर्च हो सकता है, आज अपने लिए आप नए कपड़े खरीद सकते हैं, नई वस्तुएं अपने लिए खरीद सकते हैं जिस पर आपका खर्च बढ़ेगा। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं, किसी दोस्त से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, मौसम परिवर्तन की वजह से सेहत बिगड़ेगी, आज किसी का मजाक न उड़ाएं, सूर्य मंत्र का जप करें, शुभंग आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में गुरु चंद्रमा एक साथ हो या कुंडली में सूर्य बुध एक साथ हो तो आपको हर काम में सफलता कैसे मिलेगी, पंडित जी ये बताएं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि इन्हें खास तौर पर किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। देखो ऐसा है कि जब कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ हो जाते हैं तो ऐसे में बनता है बुधादित्य योग। ये योग बहुत अच्छा होता है और प्रायः कुंडलियों में देखा जाता है। सूर्य बुध की युति जब होती है तो ऐसा आदमी या तो वकील होता है, ऐसा आदमी या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, ऐसा आदमी गणित विद्या का महारत हासिल करने वाला होता है और सत्य बोलता है और स्पष्ट बोलता है। तो सूर्य बुध की युति अच्छी ही मानी जाती है, सूर्य बुध की युति खराब नहीं होती है। लेकिन अगर बुध हस्त हो जाए और सूर्य के एकदम सन्निकट हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है। पढ़ता तो बहुत है, मेहनत बहुत करता है, याद बहुत करता है, लेकिन सब भूल जाता है। तो इसके लिए बुध ग्रह का उपाय करना चाहिए और सूर्य के मंत्रों का भी जप करना चाहिए, बुध के मंत्रों का जप करना चाहिए।
41,000 बुध के वैदिक मंत्रों का जप करने से और ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का 10 माला रोज जप करने से स्मरण शक्ति तीव्र होती है और ब्राह्मी वटी का सेवन भी ऐसे लोगों को करना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा करने का भी विधान है। ऐसे योग आपकी कुंडली में हों तो गायत्री मंत्र का जितना आप शरण ले सकते हैं उतना गायत्री मंत्र करने की कोशिश करें। रविवार को गौ माता की सेवा करें, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं और चींटियों को चीनी खिलाएं। अच्छा, कुंडली में गुरु चंद्रमा की युति होती है तो सब लोग पहले यही बताते हैं, पंडित जी हमारे कुंडली में गजकेसरी योग है। गजकेसरी योग यही होता है, गुरु चंद्रमा एक साथ हों या गुरु चंद्रमा एक दूसरे से केंद्रवर्ती हों तो गजकेसरी योग होता है। गजकेसरी योग कोई ऐसा योग नहीं है कि आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे या आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। गजकेसरी योग ऐसा होता है कि ऐसा आदमी निर्भीक होकर के सभा में अपनी बात कह सकता है, वो किसी से डरता नहीं है, अपनी बात को कहने में संकोच नहीं करता है, यही गजकेसरी योग है। गजकेसरी योग को लेकर के बहुत लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं कि जैसे गजकेसरी योग न हुआ राजा धीराज योग हो गया, तो ये गजकेसरी योग है गुरु चंद्रमा की युति, ये कभी बुरी नहीं होती है। ऐसे में आपको भगवान शिव की हर रोज पूजा आराधना करनी चाहिए। गुरुवार को भगवान विष्णु को केले के पेड़ की भी भगवान विष्णु का या केले के पेड़ की पूजा भी करनी चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है, कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।